बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक है? मैं भी अल्लाह पाक के फजल व करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो जी अज जाना ना मैं अपने प्यारे बहन भाइयों वास्ते एक नवी जाना रेसिपी वो लैके आई हाँ, तो वो अपने बहन भाइयों नाल शेयर करांगी, क्योंकि अज मैं बनाने लगी हाँ कबाब। तो कबाब की रेसिपी जो अपने बहन भाइयों नाल शेयर करांगी तो बड़े मज़े से बनते हैं। तो उस वास्ते ना एक कप जो मैं सफेद चने लैन, एक जरा ना अपना आलू वो लिया, तो एक ही प्याज लिया, तो कुछ पालक के पत्ते लैन, कुछ नाल धनिया लिया, तो कुछ अपना सब्ज मिर्चा लिया, तो बड़े मज़े से बनते हैं। इंशाल्लाह तरीकेकार जो ना वो अपने बहन भाइयों ने शेयर करांगे जी। तो अपना प्यारे बहन भाई, क्योंकि जेडे ना अपने चने से ना सफेद वो मैं उबाल लैन, अपना उबालन तो बाद उन्होंने मैं ना पेस्ट बना लिया, बनाने बाद देखो एक चूना जहा बना लिया, क्योंकि एक कप भी सफेद चने लैन, एक ही जरा मेरा आलू वह भी मैं कद्दूकश करके सारा इस अंदरों पानी जरा ना वो निचोड़ लिया, खत्म कर लिया। एक प्याज लिया सी, उन्हें भी मैं दोनों डंडे ना जरा ना अपना कुट लिया। तो उस तो बाद तीन टू चार सब्ज मिर्चा सी, वह भी मैं बरीक कुट लिया, क्योंकि जी कबाब की रेसिपी सारे मसाले जो चंगे बरीक करके कुट के मैं पाने। तो यह हल्दी जी है ना, तो उस तो बाद नमक इसकी जरूरत, तो लाल कुटी हुई मिर्च जी दो चम्मच, एक चम्मच सुक्का धनिया, तो एक चम्मच जीरा, ये भी मैं बरीक कुट लिया। तो सब तो पहला जरा ना अपना इस दे विच ना असी यह मसाले जड़े ना सारे वो मैं विच पान लगी हाँ एक बर्तन दे। चने जड़े ना वह सारा ना पहले विच पा दिते मैं, उस तो बाद जरा ना अपना आलू वह भी विच पा देवे, यह पालक ते अपना सब्ज धनिया जी है वो भी बिच पावगी। उस तो बाद अपना जो है प्याज का पेस्ट, यह भी मैं दोनों डंडे कुटिया, ये भी बिच पावगी। तो यह सब्ज मिर्चा से तीन चार वह भी कुटिया कुट के पाइया। उस तो बाद जो अपना गर्म मसाले के अपना जीरा तो सुक्का धनिया वह भी दोनों डंडे ना कुटिया कुट के, क्योंकि एक बाबा की जी रेसिपी सारी चीज़ जी ना वो बरीक कुटी हुई होनी चाहिए, वो भी मैं कुटी है। उस तो बाद अपना मिर्चा पाइया, तो नमक तो हल्दी, एक बाबा जी चने रेसिपी माशाल्लाह बहुत मज़े की है, अपना बहुत मज़े से बनते हैं। तो इंशाल्लाह तुम भी जरूर ट्राई करना है। तो अपने बहन भाइयों ना एक छोटी रिक्वेस्ट होंगी कि अपना चैनल में सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करो। तो एक मुठ जो सिर्फ बेसन वो मैं इस दे पान लगी हाँ, और कोई चीज़ नहीं पानी। अपना मैं इन सारे मसाले करा मिक्स, यह देखो क्योंकि पानी वगैरह पाने की कोई जरूरत नहीं। आलू साढ़े ना भी पानी छोड़ दें, पालक धोई सी मैं, उन्होंने भी पानी छोड़ना, पालक ने भी, धनिया ने भी, बाकी प्याज कुटिया हुआ क्योंकि वह भी कुटिया हुआ, फिर वह भी पानी छोड़ देंगे। एक माँ रमजान दिल करता है कि अपना जो ना हर रोज़ नया जो ना अपना कुछ खाण नूं होवे, अपना टेस्ट थोड़ा जिहा तब्दील होवे। तो अपना हर दफा बनाए दिन, इस दफा मैं आके अपने बहन भाइयों ना जो ना कबाबा दी रेसिपी जो शेयर करती हूँ। अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो अपना कमेंट्स करके जरूर दस्या करो। तो अपना मैं तो देसी तरीका देसी खाना जोड़ा ना वो भी बना दी हाँ, अपने बहन भाइयों ने शेयर कर दी हाँ। तो हम माशाल्लाह जो देखो सारा जोड़ा ना अपना मसाला हो गया साडा मिक्स, उस तो बाद हम जो ना कबाब वो बना दे। देखो हाथ की मदद ना जो ना अपने सारे कबाब जोड़े ना वो मैं बना लैन, क्योंकि ज़्यादा काम तो मैं अपना हाथ की मदद नहीं करती हाँ, कोई चकने बेलने नाल नहीं। एहसास जोड़ा ना साढ़े कबाबा ना तैयार हो गया, क्योंकि मैं अपना नाल जो ना घी वह भी गर्म करने वास्ते रख दिता, हम अपना फ्राई करने वास्ते जो बिच पाने बिस्मिल्लाह रखवा रहे। इन्ने सोने मजे के अपना फुलके बन जाते हैं, इतने क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं ना। तो बड़ी वधिया थे मजे की जी ना अपना देसी तरीके कबाबा की जी रेसिपी है वो मैं अपने बहन भाइयों ने शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह तुम्हें जरूर ट्राई करना मिल जाएगा। तो माशाल्लाह जो साढ़े चने हैं ना वो भी उबाल के मैं पाए,
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੇਸਟ, ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਬਾਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਈ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਾਬ ਸ਼ਬਾਬ। ਸਾਡੇ ਚਨੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਫੈਦ ਚਨੇ ਦੇ ਕਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਕਸ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਕਬਾਬ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ।